बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हुए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर का दौरा करना पड़ा। मणिपुर दौरे पर गए अमित शाह ने सभी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और मणिपुर को भरोसा दिलाया कि जल्द ही यहाँ शांति की बहाली होगी। लेकिन अभी तक शाह का वादा पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी सारी की सारी रात सेना और विद्रोहियों के बीच फायरिंग चल रही है। निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है और इसलिए मणिपुर के लोगों ने गृह मंत्री के घर के बाहर शांति प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। आज बात करेंगे मणिपुर के बिगड़ते हालातों के बारे में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन मणिपुर अभी भी जल रहा है। 80 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मणिपुर शांत नहीं हो पाया। अब तो मणिपुर में जवानों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। मणिपुर को शांत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था, अलग अलग समुदायों से बैठकर बात की, शांति बहाली की अपील की। घटना की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व जज अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया, लेकिन शांति की बहाली अभी तक नहीं हो पाई। इसलिए लोगों को अमित शाह के घर के बाहर पहुंचना पड़ा। ये कुकी समाज के लोग हैं जो शाह के घर पहुंचे हैं। गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि राज्य में शांति लौटेगी, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। कुकी समाज के खिलाफ आज भी स्टेट फोर्स हिंसा कर रही है, इसलिए शांति की मांग करते हुए हम गृह मंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से मिलने आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों में मणिपुर के कुकी, जोमी, हमार और मिजो समुदाय के लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि राज्य में हमारे परिवारों के सदस्यों की रोजाना हत्याएं हो रही हैं, जिसका विरोध करने के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। हम अपनी बहनों और दोस्तों से अपील करते हैं कि वो यहाँ आए और हमारे समुदाय पर किए गए अत्याचारों का विरोध दर्ज कराएं। अब आपको बताता हूं आखिर मणिपुर के हालात इतने बेकाबू कैसे हो गए। क्यों जल रहा है मणिपुर? दरअसल 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया, जिसके बाद मणिपुर की दिशा और दशा दोनों ही बदल गए। समूचा राज्य आग के गोले में तब्दील हो गया। इन बदले हालातों की वजह से करीब 9000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और जान गंवाने वाले और जख्मी लोगों की संख्या तो सरकार सटीक तौर पर अब तक नहीं बता पाई है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार अब तक हालातों पर काबू पाने में असफल साबित हुई है। इस डबल इंजन की सरकार ने फरवरी महीने में संरक्षित इलाकों से अतिक्रमण हटाना शुरू किया था तो हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। लोग सरकार के इस कदम का विरोध कर ही रहे थे कि मणिपुर हाईकोर्ट से एक आदेश पारित किया गया। इस आदेश ने मणिपुर की आग में घी डालने का काम किया। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करें, जिसमें गैर जनजाति मताई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। दरअसल मणिपुर के 10% भूभाग पर गैर जनजाति मताई समुदाय का दबदबा है। मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक इसी समुदाय से आते हैं। आप समझ सकते हैं मताई समुदाय का राजनीतिक तौर पर मणिपुर में किस तरह से दबदबा है, जबकि 90% पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में प्रदेश की 35% मान्यता प्राप्त जनजाति रहती है। इन जनजातियों में से केवल 20 विधायक चुन कर आते हैं। मताई समुदाय का बड़ा हिस्सा हिंदू है और बाकी मुसलमान है। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वो नगा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं और ये जनजाति ईसाई है। तो आप समझ रहे होंगे कि दरअसल यहाँ भी लड़ाई कहीं ना कहीं धार्मिक आवेश में ही पनपी है। मणिपुर में मताई समुदाय बहुलता में, लेकिन उस जनजाति उसे जनजाति का दर्जा चाहिए जबकि वो बहुलता में है, जिसका कुकी और नगा समुदाय विरोध करते हैं। और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें कहा गया है कि मताई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने 2013 में जनजाति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के साथ जातीय रिपोर्ट के लिए कहा गया था। हालांकि अमित शाह की ने कोर्ट के इस फैसले को जल्दबाजी का फैसला करार दिया है। 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने
मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुपों के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 6 वर्षों से, जब से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मणिपुर बंद, ब्लॉकेट, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त हो गया। शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मणिपुर 2012 से ही मदई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने की मांग करती आई है। इनकी दलील है कि 1949 में जब मणिपुर का विलय भारत में हुआ, उससे पहले से ही मतई समाज को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मतई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय के उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए जरूरी है। दलीलें और भी बहुत सारी दी गई थी, लेकिन जनजाति समूह इसकी खिलाफत करते हैं। इन समूहों का कहना है कि मतई की जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ साथ बाकी मामलों में भी बहुत आगे हैं। अब आप सुनिए क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने विकास के सारे पैरामीटर्स में अभूतपूर्व सिद्धियां हासिल की। ये 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास और शांति के 6 साल के रूप में जाने जाते हैं। चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन लाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, बढ़ावा करना हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट लाना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सुचारू रूप से चलाकर मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन और स्पोर्ट्स में हब बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में शांति के कारण मणिपुर विकास के रास्ते पर चल पड़ा था। विगत लगभग 1 महीने से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हुई है। सबसे पहले तो मैं जिन दुर्भाग्यपूर्ण नागरिकों की हाल की हिंसा में मृत्यु हुई है, इस सभी के परिवारों के प्रति देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से इनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है, तब हम सबको, मुझे, आपको, सभी को दुख होना बहुत स्वाभाविक। ये 2 दिन के दौरान मैंने ढेर सारे इधर और साइड के लोगों से मुलाकात की है। मैंने ये 3 दिनों में अस्थाई कैंपों का दौरा किया है। ये 3 दिनों के अंदर मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में, इम्फाल, मोरे, चूड़ाचांदपुर, कोम्पोकपी, सभी जगह जाकर नागरिकों के प्रतिनिधिमंडल और आहत लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया है।